अपना भी गाँव आएगा। मैंने उसे नहीं कहा था जलाने, जलाया क्यों, जलाया क्यों उसने, उससे पूछिए आप, उसने जलाया। रोहन बता तुमने क्यों जलाया, जलाया रोहन, रोहन क्यों जलाया तुमने, क्यों जलाया रोहन तुमने, क्या क्या क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे, आप नशे में थे, नशे में खा जला दो किसी का, इसके संपर्क में कैसे आया आप, इनके संपर्क में कैसे आया, सर एक चकेरी में कहीं गाड़ी में आगे रहने का मामला सामने आया, क्या गुनाह हुआ? ये चकेरी थाना क्षेत्र में एक अर्टिका गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ी हुई थी और कुछ लोग जो है वो घर के अंदर आते हैं और गाड़ी में जो है वो आग लगा करके भाग जाते हैं। इस पे एक तहरीर दी गई थी और एक मुकदमा जो है वो थाना चकेरी में लिखाया गया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये निकल करके आया कि एक विभव शुक्ला नाम का लड़का है और ये जो है जो गाड़ी के ओनर है उनका बेटा है और इसी का एक मित्र है जिसका नाम दीप है जो इंदौर का रहने वाला है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये मिले थे और इनके जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस थे। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूंगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इस पे एक मुकदमा इंदौर में भी जो है शायद दीप ने लिखवाया है, उसकी भी तफ्तीश चल रही है। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। इसमें विभव इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है इस लड़के से मिला था और तभी से इनकी 4-5 साल से जो है वो फ्रेंडशिप चल रही थी। बहरहाल जो अभियोग पंजीकृत किया गया इसमें दोनों अभियुक्त एक दीप और दूसरा जो है वो रोहन यादव इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें ये घटनाक्रम की इन्होंने जो है पुष्टि की है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर गाड़ी में आग लगाने का मुख्य कारण क्या निकल गया, चूंकि जिनके आपस में रिलेशन थे जिसमें एफआईआर वगैरह? मुख्य कारण ये था कि ये जो विभव शुक्ला था ये इससे मिल नहीं रहा था और इसके कहने पे ही इसने जेंडर चेंज कराया था, शादी करने का वादा किया था और शादी नहीं की थी और उसके बाद मिलना जुलना बंद कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। उसी से ये क्षुब्ध था, इससे मिलने आया था और इसी कारण में इसने जो है वो घर का एड्रेस निकाल करके और ये घटना कारी थी। तो जो आरोपी दीप है उसका ये भी आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए इनको दिए थे एक तरह से शादी के नाम पर। इसमें ऑलरेडी जो है इंदौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक 377 का मुकदमा वहां भी इसने दर्ज कराया, उस पर विचना चल रही है। जिसने जेंडर चेंज कराया है उसका नाम क्या था और किस नाम से वो रह रहा है? दीप नाम जो है बताया जा रहा है कि उसका नाम दीप था और वो इंदौर में ही रह रहा था, वो वहां से यहां इससे मिलने आया था। उसने जेंडर चेंज किया तो अपना नाम भी ले लिया? अभी फिलहाल उस क्या नाम उसने रखा है और क्या चीजें हैं ये तो जो है तस्दीक होने के बाद ही बताया जाएगा। थैंक यू।